भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के कुछ हिस्सों में सोना मिश्रित तांबा खनिज पदार्थ की व्यापक पैमाने पर खोज की है। करंट साइंस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक सतही शैल और झरनों के तलछट से क्रमशः 475 प्रति बिलियन और 25 प्रति बिलियन सोने के नमूने एकत्रित किए गए हैं। उत्तराखंड के हिस्से लेसर हिमालय के नाम से जाने जाते हैं, जो उत्तर की तरफ से मेन सेंट्रल थारस्ट और दक्षिण की ओर नॉर्थल मोड़ा थारस्ट के बीचों बीच स्थित है। जीएसआर के वैज्ञानिकों ने उत्तराखंड के लामेरिकोटेश्वर इलाके से 355 नमूने एकत्रित किए। सोना और आधार धातु का लखनऊ के जीएसआर के केमिकल डिवीजन में विश्लेषण किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक नमूनों के एक्सरे अध्ययन में सोने के साथ साथ चालकोपाइराइट, पाइराइट, स्फालराइट और गैलना होने के संकेत मिले। रुद्रप्रयाग इलाके में सोना मिलने की यह पहली घटना है। रिपोर्ट में कहा गया कि जिन इलाकों में सोना पाया गया है वह रुद्रप्रयाग कस्बे के आसपास मंदाकिनी नदी के किनारे है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस सोने की कीमत 50,000 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है। HJ न्यूज की रिपोर्ट्स।